नमस्कार दोस्तों, मैं मनोरमा गौतम किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्मदिवस है। उनकी जयंती के अवसर पर परसाई विशेष श्रृंखला में आज हम उनके जीवन तथा साहित्य पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1924 ग्राम जमाना जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता झुमक लाल परसाई मध्य प्रदेश में ही वन विभाग में कार्यरत थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण उनका जीवन अभाव तथा दलितता में बीता। दोस्तों, हरिशंकर परसाई लगभग जब 12-13 वर्ष के थे, प्लेग महामारी के कारण उनकी माता का देहांत हो गया। कुछ समय पश्चात उनके पिता भी चल बसे। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते घर की सभी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बहुत ही छोटी उम्र में हाई स्कूल पास करने के बाद जंगल विभाग में नौकरी की, किंतु यह नौकरी उन्हें अधिक समय तक रास नहीं आई। टीचर की ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में अध्यापकी की, किंतु आज़ाद ख्याल जिंदा दिल हरिशंकर परसाई को सरकारी नौकरी का बंधन रास नहीं आया। 3-4 जगह अध्यापकी करने के बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। शायद यही वजह है कि उनका जीवन दरिद्रता, अभाव तथा गर्दिश के बीच बीता। अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए, उनकी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को पूरे साहस के साथ स्वीकारा और हंसते हुए गर्दिश के दिनों को झेला। वे स्वयं कहते हैं कि सिर्फ चूहों ने ही नहीं, मनुष्यनुमा बिच्छुओं ने तथा सांपों ने भी मुझे बहुत काटा, किंतु जो जहर मोहर मुझे शुरू में ही मिल गया था, इसलिए बेचारे परसाई को मौका ही नहीं मिला। दोस्तों, इससे पता चलता है कि जीवन के शुरुआती दौर की समस्याओं ने हरिशंकर परसाई को और भी मजबूत, और भी साहसी, और भी निर्भीक बना दिया था। जीवन के इन्हीं थपेड़ों ने, इन्हीं ठोकरों ने, इन्हीं कठिनाइयों ने उन्हें एक सजग साहसी मानव बना दिया था। उनकी चेतना जगती है, उन्हें एहसास होता है कि विपरीत परिस्थितियों में रोने से, दुख मनाने से कोई लाभ नहीं, हमें हिम्मत के साथ, पूरे बहादुर के साथ उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना होगा, उनसे लड़ना होगा। वे अपनी संकीर्ण आत्मा को विकसित करते हैं तथा स्वयं को व्यष्टि से निकालकर समष्टि से जोड़ते हैं। वो देखते हैं कि समाज में उनके जैसे दुखी पीड़ित और हैं। इसको देखते हुए वो दृढ़ निश्चय करते हैं कि मुझे रोना नहीं है, मुझे लड़ना है। वो कहते हैं कि मेरे हाथ में तलवार है और मैं इसी से लड़ूंगा। स्वयं वो कहते हैं कि दुखी पीड़ित और हैं, अनगिनत शोषित हैं, मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कलम है और मैं चेतना संपन्न। हरिशंकर परसाई जीवन के वास्तविक चेहरे से वाकिफ हैं। समाज में विद्यमान विसंगतियों को उन्होंने ना केवल देखा है बल्कि झेला भी है। उनका मानना है कि इस तरह की स्थितियाँ हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कार्य पद्धति के कारण पैदा होती है। उनकी दिशाहीनता ही समाज के नक्शे को बिगाड़ती है। उनमें सुधार लाना नामुमकिन नहीं तो कठिन आवश्यक है, इसीलिए वो सुधार की अपेक्षा बदलाव के पक्षपाती हैं। वे स्वयं कहते हैं कि मैं सुधार के लिए नहीं, मैं परिवर्तन के लिए लिखता हूँ। परिवर्तन की कामना जगाना ही हरिशंकर परसाई के व्यंग का प्रयोजन है। वो जानते हैं कि किसी भी रचनाकार की रचना या उसका साहित्य समाज की संरचना को नहीं बदल सकता, बदलाव की सिर्फ उत्कंठा भर ही पैदा कर सकता है ताकि सामाजिक की बेचैनी बनी रहे। उनका मानना है कि लेखक की आंतरिक बेचैनी सिर्फ सामाजिक की बेचैनी, आंतरिक बेचैनी तक ही सीमित रहती है, किंतु पाठक वर्ग की सामाजिक की आंतरिक बेचैनी पूरी व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि उन्होंने व्यंग को हथियार के रूप में प्रयोग किया। दोस्तों, हरिशंकर परसाई का व्यंग फलक बहुत विशाल है। शायद ही कोई विसंगति होगी, शायद ही कोई क्षेत्र होगा जिसकी विसंगति पर हरिशंकर परसाई की दृष्टि नहीं गई। फिर वो विसंगति चाहे सामाजिक आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, राजनीतिक आधार पर हो, धार्मिक आधार पर हो, साहित्यिक या फिर सांस्कृतिक आधार पर, इन तमाम विसंगतियों पर हरिशंकर परसाई ने अपनी व्यंग रचना के माध्यम से चुन चुन कर कुठाराघात किया है। हरिशंकर परसाई ने व्यंग को एक ऐसे हथियार के रूप में प्रयोग किया है जो शारीरिक नहीं, मानसिक चोट करती है। व्यंग के विषय में वो कहते हैं कि व्यंग जीवन की आलोचना करता है, जीवन से साक्षात्कार कराता है,
विसंगतियों, मिथ्याचार तथा पाखंडों का पर्दाफाश करता है। इसलिए समाज में वो जहाँ भी विसंगति देखते हैं, जहाँ भी विद्रूपता देखते हैं, जहाँ भी अमानवीयता देखते हैं, जहाँ भी ऐसी स्थिति देखते हैं जो समाज को गर्त में लाती है, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और अपनी व्यंग रचना के माध्यम से इन तमाम समस्याओं पर चुन चुन कर प्रहार करते हैं। दोस्तों, हरिशंकर परसाई ने सन 1947 के आसपास लिखना प्रारंभ किया। यही समय देश की आज़ादी का था। स्वाभाविक है कि हरिशंकर परसाई के साहित्य पर उसका प्रभाव दिखाई देना जायज है। दोस्तों, आज़ाद भारत की स्थिति बहुत ही आशाजनक तथा मोहक नहीं थी। भारतीय जनमानस में जो सपने देखे थे, जो कल्पना किए थे, जो उम्मीद लगाई थी, उन सबका मोह भंग हो गया। सपना सपना ही बनकर रह गया। उन्होंने सोचा था अंग्रेजों के गुलामी के पश्चात जब अपना देश आज़ाद हो जाएगा तो अपने ही लोगों के हाथों में आ जाएगा और हमारे राजनेता हमारे पक्ष की बात करेंगे, हमारे हक की बात करेंगे। किंतु होता बिल्कुल इसके विपरीत है। उनके द्वारा बनाई गई सरकार, उनके द्वारा बनाए गए राजनेता सिर्फ अपने ही हित को साधते रहते हैं। स्थिति जैसी तैसी रहती है। सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण भर होता है, सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही मिलती है। वास्तविक आज़ादी के इंतजार में तो हम अभी भी हैं। इस विषय में हरिशंकर परसाई अपने निबंध संस्कृति की रक्षा में कहते हैं, अंग्रेज छुरी और कांटे से प्लेट में रखकर इंडिया को खाते रहे और देसी साहब बचे भारत को जनतंत्र के सलाद के साथ खाते थे। सिर्फ ट्रांसफर ऑफ डिश हुआ, एक थाली दूसरे के आगे से खिसक कर तो एक के आगे से खिसक कर दूसरे के आगे आ गए। परसाई देख रहे थे कि अनेक स्तरों पर राजनीतिक कारण समाज में अव्यवस्था तथा अमानवीयता फैल रही थी। समाज में शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, चोरी खसोर, भाई भतीजावाद तथा अन्य तरह का शोषण फैल रहा था। परसाई इन्हीं विकृत राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति ही अपने व्यंग को धार देते हैं। उनका उपन्यास रानी नागफनी की कहानी समाज में विद्यमान इसी राजनीतिक विकृतियों को खोलकर रखते हैं। इसमें वो ऐसे राजनेताओं की भी खिल्ली उड़ाते हैं जो सत्ता में जाते ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूलकर सिर्फ स्वयं की सेवा में लग जाते हैं। इस उपन्यास में वो कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे राजनेताओं को भी देखा है जो अपनी आत्मा को नापदान में रखते हैं और ऐसे ऐसे राजनेताओं को भी देखा है जो अपनी आत्मा को तलवे में रखते हैं। जब वे चलते हैं तो उसे तलवे से दबाते जाते हैं। इतना ही नहीं, हरिशंकर परसाई ने लोहियावादी समाजवादी में ऐसे भी नेताओं की पोल खोली है जो सत्ता की कुर्सी में जाते बस ये सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि उनकी यह कुर्सी बनी रहे। इस निबंध में कहते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर ऐसी गोंद लगी होती है जो भी जाता है उस पर चिपक जाता है। अपने निबंध लंका विजय के बाद में उन्होंने ऐसे ऐसे राजनेताओं की भी पोल खोली है जिन्होंने आज़ादी के दौरान थोड़ा बहुत भी देश के लिए कुछ किया है या नहीं किया है, किंतु देश के आज़ाद होने के बाद चुनाव के दौरान जब उन्हें जनता से वोट लेना होता है तो अपने चोटों को निशान बना बना कर घाव को दिखाते हैं कि देखो मैंने तुम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया और तुम लोग मुझे वोट दो। अपने निबंध हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें हरिशंकर परसाई ने ऐसे राजनेताओं की पोल खोली है जो दल बदल की राजनीति को खेलते हैं। उन्हें जहाँ भी फायदा होता है अपनी पहली पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उन्हें देश की जनता से, समाज की प्रगति से कोई लेना देना नहीं होता, बस अपना ही फायदा देखते हैं। जिस पार्टी में उन्हें फायदा मिलता है वो पहली पार्टी को छोड़ उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इस निबंध में वो एक राजनेता के मुख से कहवाते हैं कि मेरे लिए राजनीतिक पार्टी अंडरवेयर से अधिक और कुछ नहीं है। ज़्यादा दिनों तक नहीं पहनता क्योंकि बदबू आने लगती है। आज भी जब देश में अकाल पड़ता है, भुखमरी फैलती है या किसी भी तरह की समस्या आती है तो जनता अपने राजनेता से, अपने शासक से ही गुहार लगाती है। हरिशंकर परसाई के उपन्यास रानी नागफनी की कहानी में भी जब अकाल पड़ता है तो जनता राजा के पास मदद की गुहार लगाने जाती है, किंतु राजा एक कूटनीतिक चाल खेलता है। वह जनता के सामने एक सवाल रखता है। वह कहता है, हे मेरे देश के नागरिकों, राजा निर्बल सिंह ने हमारी 3 वर्ग फीट जमीन को अपने कब्जे में कर लिया है
हे मेरे देशवासियों, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटो और अपनी जमीन को उनसे आजाद कराना। भूखी प्यासी बेहाल जनता उसकी बातों में आकर लड़ने मरने को तैयार हो जाती है और वो चतुर राजनेता शासक समाज की उन जिम्मेदारियों से बच जाता है, उन समस्याओं को निपटारे से बच जाता है जो समस्या लेकर जनता उसके समक्ष आती है। यही कारण है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भारत की आम जनता तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रही है। आज़ाद भारत की इन्हीं परिस्थितियों ने हरिशंकर परसाई की रचना दृष्टि को प्रभावित किया। यही कारण है कि वे साहित्य की उस परंपरा से जुड़े जिसमें अभावग्रस्त दुखी पीड़ित जन की पीड़ा को वाणी दी गई। इन्हीं राजनीतिक सामाजिक साहित्यिक विकृतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप भी हरिशंकर परसाई ने साहित्य का सृजन किया। आज सिर्फ राजनीति ही नहीं भ्रष्ट हुई है बल्कि संपूर्ण मानव समाज ही भ्रष्ट हो गया है। मानव संवेदनाहीन हो गया है। हमारे समाज में, हमारे परिवेश में क्या हो रहा है इसके प्रति हमारे मन में कोई कसर नहीं उत्पन्न होती। ऐसे समय में यदि हरिशंकर परसाई का साहित्य हमारे भीतर की संवेदना को जगाकर हमें एक बेहतर मनुष्य बना सके तो इससे यही उनके साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हरिशंकर परसाई का मकसद समाज में क्रांति लाना नहीं बल्कि परिवर्तन लाना है। वो समाज की चेतना को जगाकर समाज में सुधार लाना चाहते हैं ताकि समाज में एक स्वस्थ मानसिकता उत्पन्न हो और एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सके।